अ पोटेंशियोमीटर हैज अ ड्राइविंग सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है जी. द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द डैनियल सेल इज 5 meters. इफ द ड्राइविंग सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेम डैनियल सेल वुड हैव बीन. तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइविंग सेल की साइड होगा तो उस साइड का इम्बैलेंस कैसे बैलेंस किया जाएगा, आपका बैलेंसिंग लेंथ बढ़ना ही पड़ेगा उसको आगे. ठीक है, इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो डायग्राम से भी इमेजिन कर सकते हो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ेगा, बट ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. तो लेट्स स्टार्ट विद ए बी, और इस ए बी के ऊपर आपने एक ड्राइविंग सेल लगा दिया और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रख दी. ठीक है, ये सीधा हमारा यहाँ तक बी तक कनेक्ट कर देते हैं इसको, और नीचे की तरफ आपने एक डैनियल सेल लगा दिया जिसका भी आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे थे, और ये एक और सेल हो गया जिसका अपना गैल्वेनोमीटर एंड यहाँ पे जॉकी. ठीक है जी. अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के बढ़ने से क्या होगा, आपका जो वोल्टेज डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ये वोल्टेज डिफरेंस होता जाएगा कम, और बैलेंसिंग लेंथ जो होगी उस बैलेंसिंग लेंथ के लिए, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज फिक्स्ड है और नेट वोल्टेज कम होता जा रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ को थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि वो इस वोल्टेज के इक्वल यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ला सके. ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होना चाहिए इस बैटरी के वोल्टेज के. तो जैसे जैसे ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता जाता है, ये सेल, ये जॉकी आगे शिफ्ट होती जाएगी, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. ऑलराइट.